हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी और स्पाइसी कुरकुरे, जिसे आप स्टोर करके भी खा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुरकुरे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़े बाउल में 200 ग्राम जितने पोहे लिए, उसके बाद 1/4 कप बेसन लिया है। अगर हम 200 ग्राम जितने पोहे लेते हैं तो हमें उसका 1/4 पार्ट यानी कि 50 ग्राम जितना बेसन लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने 1/2 कप जितना कॉर्नफ्लावर लिया है और फिर यहाँ पे हमने पेरी पेरी मसाला लिया है। आप कोई भी चाट मसाले का यूज कर सकते हो। अब हम पोहे को मिक्सचर के जार में क्रश करके उसका आटा बना लेंगे। उसके बाद क्रश किया हुआ पोहा और बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर फ्राई पैन में 1 कप जितना पानी लेके गैस की फ्लेम को मीडियम पे रख के 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद एक हाथ से पोहे का और बेसन का आटा धीरे धीरे पानी में डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि आटे की गांठें ना पड़ जाए। अगर आटा ज्यादा हो गया हो तो बाद में पानी ऐड कर सकते हैं। पूरा आटा डालने के बाद हमें आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस को बंद कर देना है। हमारा आटा और पानी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे फ्राई पैन में ही 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप जितना कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर से कुरकुरे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अब हम हाथ में थोड़ा तेल लेकर आटा गूंदकर तैयार कर लेंगे। हमें आटे को एकदम नरम गूंदकर तैयार करना है। हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर हाथ की मदद से कुरकुरे बना लेंगे। हमें एकदम पतले पतले कुरकुरे बनाने हैं। अगर ज्यादा मोटे कुरकुरे बनाते हैं तो वो तेल में अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते हैं। हमारे कुरकुरे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हमें इसे तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। तेल गरम हो चुका है, कुरकुरे को मीडियम गरम तेल में तलना है। अब हम धीरे धीरे करके कुरकुरे तेल में डालते जाएंगे। जब तक कुरकुरे ब्राउन न हो जाए तब तक हमें इसे तलना है। हमारे कुरकुरे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे जार की मदद से निकाल लेंगे। जार को अच्छे से हिलाएंगे ताकि बाकी बचा हुआ तेल निकल जाए। अब हम इसी तरह से बाकी के कुरकुरे भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हमारा पेरी पेरी मसाला डालकर अच्छे से हिला लेंगे। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला और काली मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। हमारे क्रिस्पी और स्पाइसी कुरकुरे बनके तैयार हो चुके हैं।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।